हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका कक्षा 9 के दूसरे चैप्टर क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने मिश्रण, यौगिक, तत्व आदि का अध्ययन किया था, जिसमें हमने बताया था कि जो मिश्रण है वो एक या एक से अधिक तत्व या यौगिकों से मिलकर के बना हुआ होता है। जैसे कि चीनी और पानी का हमने मिश्रण बनाया, या बालू है, गैस है, इसका ये सभी क्या है, मिश्रण है। अर्थात जो इसमें संघटक हैं, यानी कि पानी और चीनी, ये इसके संघटक कहलाते हैं। ये संघटक किस टाइप से होते हैं, या हम कह सकते हैं मिश्रण के गुणधर्म क्या क्या होते हैं। जो मिश्रण के संघटक हैं उन्हें आसानी से अलग किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं, नमक और पानी हमने अगर मिलाया, एक मिश्रण हमने नमक और पानी का बनाया, उस मिश्रण को हम आसान से नमक और पानी को आसानी से अलग अलग कर सकते हैं। जैसे कि हम वाष्पन विधि द्वारा नमक और पानी को अलग अलग कर लेंगे। प्रत्येक संघटक का अपना वास्तविक गुणधर्म होता है, यानी कि अगर हमने पानी में नमक डाला तो जो पानी है, पानी का अपना गुणधर्म होगा और नमक का अपना अलग गुणधर्म होगा। ऐसा नहीं होगा कि पानी में नमक मिला दिया तो जो नमक का नमकीन हो रहा है वो गायब हो जाएगा। नमक का जो गुण है, नमक, वह उसी में रहेगा। यानी कि जो संघटक है, पानी और नमक है, दोनों का संघटक के अपने अपने गुण उनके वैसे ही रहेंगे, चेंज नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, संघटकों का अनुपात अलग अलग होता है। अब ऐसा हमने अगर चीनी या पानी का हमने मिश्रण एक तैयार किया है, उस मिश्रण में हमें ज़रूरी नहीं कि एक निश्चित अनुपात में हम लें, हम किसी भी अनुपात में दोनों को मिला सकते हैं, हम उसको मिश्रण कह सकते हैं। 1 लीटर पानी में हमने 100 ग्राम चीनी भी मिला सकते हैं हम, और 10 ग्राम चीनी भी हम मिला सकते हैं, दोनों के दोनों मिश्रण हैं। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। जैसा कि नाम से साफ समझ आ रहा है, समांगी मतलब समान, विषमांगी मतलब असमान। समांगी मिश्रण जो है वह होता है विलयन, एक विलयन जो है वह समांगी मिश्रण है, या कोल्ड ड्रिंक है, नमक चीनी का पानी है, एक समांगी मिश्रण है। और विषमांगी मिश्रण जो है, जैसे कि हम बालू और मिट्टी मिला दें, या पानी और बालू को मिला दें, ये विषमांगी मिश्रण है। आइए हम समझते हैं किस तरीके, कौन समांगी मिश्रण कहलाता है और कौन विषमांगी मिश्रण कहलाता है। वह मिश्रण जिसकी बनावट समान हो तथा इसकी कणों को अलग अलग नहीं पहचाना जा सके, समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे नमक और जल में, नमक और जल को हमने घोल दिया तो उसकी पूरी की पूरी बनावट सेम होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो नमक है वो बराबर मात्रा में हर जगह पे होगा, ऐसा नहीं होगा कि कहीं पे तेज़ है, कहीं पे कम है। यानी कि पूरे पानी में वो अच्छी तरह से घुल जाता है, जिससे उसकी बनावट पूरी सेम हो जाती है और इनको आसानी से पहचाना नहीं जाता है। ये कहलाते हैं समांगी मिश्रण। जैसे चीनी और पानी का मिश्रण, या हमने नींबू के कुछ बूंदे पानी में मिला दी, वो भी एक मिश्रण है, समांगी मिश्रण का उदाहरण है। अब विषमांगी मिश्रण, वह मिश्रण जिसके अंश भौतिक रूप से अलग होते हैं और इनके कणों को अलग अलग पहचाना जा सकता है, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे लोहे के बुरादे और बालू का मिश्रण, हम दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। या पानी में हमने बालू मिला दिया, अगर हम उसको मिला देते हैं थोड़ी देर बाद, वापस वो फिर से वैसा ही दिखने लगता है। कहने का मतलब है दोनों को अलग अलग हम पहचान सकते हैं। जैसे कि समांगी मिश्रण में दोनों के दोनों पूरे की बनावट सेम हो जाती है, जबकि विषमांगी मिश्रण में अलग अलग रहती है बनावट। ऊपर अगर पानी है तो नीचे बालू बालू हो जाती है। तो ये मिश्रण विषमांगी मिश्रण है, यानी कि समान और असमान, समान मिश्रण और असमान मिश्रण समांगी और विषमांगी के उदाहरण हैं। ये दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पे वाटर और सैंड का मिक्सचर है, ये विषमांगी मिश्रण है, और शुगर और वाटर लेमन का है, ये समांगी मिश्रण का उदाहरण है।
एक क्वेश्चन पेपर में बार बार आता है, समांगी और विषमांगी मिश्रण में क्या अंतर है। तो समांगी मिश्रण, अभी आपको बताया, इसका जो संगठन है वो बिल्कुल समान होता है, पूरे के पूरे जो मिश्रण है उसमें संगठन समान होगा, और बल्कि और जबकि विषमांगी मिश्रण में जो संगठन है वो समान नहीं होता है। उसके अलावा जो समांगी मिश्रण है उसके अवयवों को कोई स्पष्ट पृथक्करण सीमाएं नहीं होती हैं, यानी कि कहने का मतलब है कि जो जल और चीनी है या नींबू पानी है या नमक चीनी है, इसको पृथक्करण करने के लिए को आसानी से पृथक करने की कोई सीमा नहीं है। और जो विषमांगी मिश्रण है इसके अवयवों को पृथक करने के लिए कुछ सीमाएं होती हैं, जो तेल और जल है इन दोनों का मिश्रण बना दिया तो उसके पृथक करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसको बहुत देर तक रोकना होगा, उसके बाद ऊपर चला जाएगा, जो तेल है वो ऊपर आ जाएगा और पानी है वो नीचे रह जाएगा, थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा। अगला है, इसके अवयवों को आसानी से देखना संभव नहीं है। आप जानते हैं नमक और चीनी, अगर नमक और पानी हमने मिला दिया तो नमक वापस हम ढूंढ ही नहीं पाएंगे, और जबकि जो विषमांगी मिश्रण है हम को उसमें लोहे का बुरादा है और रेत है, दोनों को मिला दिया हम दोनों को अलग अलग आसानी से पहचान सकते हैं। तो ये है समांगी और विषमांगी मिश्रण। बच्चों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। बाय बाय।